सीएससी में शुरू हो गई है सातवीं आर्थिक जनगणना का कार्य। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से वीएलई इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर का आवेदन कर सकते हैं, कहां से लिंक मिलेगा, कहां से लॉगिन करना है, फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे होना है और साथ ही साथ पोर्टल इंटरफेस इंट्रोडक्शन कैसे होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी आर्थिक जनगणना सातवीं आर्थिक जनगणना का कार्य करना चाहते हैं सीएससी से, तो इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सातवीं आर्थिक जनगणना के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो अवेलेबल है जिसमें पूरी जानकारी मैंने बता रखी है। सातवीं आर्थिक जनगणना क्या है, वीएलई को क्या क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, या वीएलई के अंदर कितने का रजिस्ट्रेशन करा जाना है, मोबाइल टैबलेट मिलेगा या नहीं, सारी बातें मैंने बता रखी, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटा सा अनुरोध जरूर करूंगा, यारो आप हमारे जिस भी वीडियो को देखते हो उसे कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन यार उस लाइक के बदौलत हमें काफी मोटिवेशन, काफी इंस्पिरेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही जेन्युइन वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। और साथ ही साथ नए मेंबर से अनुरोध करते हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं हो सके तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, इस बेल के आइकन को भी दबा ले ताकि आपका मर भाई जो भी वीडियो दे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। डिजिटल सेवा पोर्टल को आपको सबसे पहले लॉगिन करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करोगे, ये कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड लॉगिन होगा। डैशबोर्ड लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो कि आप रोज देखते हो, ये डेली का आपका काम है। तो यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यूली अराइव्ड में आपको कुछ नहीं दिखेगी दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली जो है सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, और सर्च बॉक्स पे आपको क्या सर्च करना है वो ध्यान दीजिए, आपको सर्च करना है IRCTC। तो दोस्तों, IRCTC आपको क्यों सर्च करना है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों IRCTC जो है जो आपको ऑथेंटिकेट कराती है ऐसे वेबसाइट पे जहां पे सीएससी का और भी वेबसाइट लिंक वगैरह दिख जाता है। तो दोस्तों, आपको IRCTC रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप IRCTC रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, सीएससी की मोर सर्विस वाले सेक्शन में आप आ जाते हैं, जो कि ऐसा कुछ होता है। यहां पे दोस्तों आपको नया लिंक देखने को मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे फॉर्म। तो दोस्तों, फॉर्म ये फिल करना है आप लोगों को, चलिए इस पे सिंपली क्लिक करते हैं। यही है सातवीं आर्थिक इकोनॉमिक जनगणना, सातवीं आर्थिक जनगणना। तो दोस्तों, फॉर इकोनॉमिक कैनियस ऑफ 2019 थ्रॉट सीएससी, तो ये जो सर्विस आई थी जिसके लिए MOU NSDL की ऑफिशियल पैन कार्ड की एजेंसी, अब आप भी ले सकते हैं। यहां से आपको पैन नंबर मिलेगा 3 दिन में, और पैन कार्ड बहुत ही आसानी से बहुत फास्ट आप बना सकते हैं। तो एजेंसी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस एजेंसी की जो कीमत आएगी आपको ₹2000 की आएगी। साइन हुआ था और उसी के बारे में यहाँ पे बताई गई। तो सिंपली दोस्तों, लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको ये ऑथेंटिकेट करना होता है फर्स्ट टाइम। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ऑथेंटिकेट करने देते हैं, और यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, ये ऑथेंटिकेट हो जाता है। फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के ऑथेंटिकेट करनी होती है। अगर आप पहले से ही सीएससी को लॉगिन कर रखते हैं तो सिंपली दोस्तों आपको यस पे टिक करके इसको ऑथोराइजेशन देना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक सर्वे फॉर्म दो प्रकार का भरा जाना है, एक जो है आपको इन्यूमरेटर का और एक जो है आपको सुपरवाइजर का। तो दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन के तहत आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में है, उसमें आप देख पाएंगे कि कितने आपने इन्यूमरेटर ऐड किया और कितना आपने सुपरवाइजर ऐड किया। इन्यूमरेटर कौन होगा? तो दोस्तों, इन्यूमरेटर जो होगा वो आपके अंडर वर्क करने वाला व्यक्ति होगा जिसको आप एक्सेस दोगे और उसको आप कुछ पैसे दोगे। तो इन्यूमरेटर क्या होगा, इसकी जो बेटर जानकारी है वो सरकारीयोजना.com पे आपको पूरी लेखे मिलेगी और आप यहाँ पे आके पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक आप इन्यूमरेटर का, एक आप सुपरवाइजर का। तो दोस्तों, सुपरवाइजर का जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो सुपरवाइजर के भी अंडर इन्यूमरेटर बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, आप तो इसके अंडर काम करोगे ही करोगे, आप इसके अंडर इन्यूमरेटर से भी काम करवाओगे, आप इसके अंदर सुपरवाइजर से भी काम करवाओगे, और सुपरवाइजर के अंडर जो इन्यूमरेटर वर्क करेगा वो भी वर्क करेगा ही करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 5 इन्यूमरेटर लगा सकते हैं, 5 सुपरवाइजर लगा सकते हैं। इन्यूमरेटर आप ऐसे व्यक्ति को लगाएं जो कम काम करने वाले हैं, जो काम करेंगे। सुपरवाइजर ऐसे व्यक्ति को लगाएं जिनके पास नेटवर्क है, जिनके पास टीम है, जो आपका काम खींच सकते हैं, जो आपका काम जल्दी से निपटा सकते हैं। तो ये सब कुछ होने वाला है। अभी दोस्तों, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के तौर पर अभी आप सुपरवाइजर का ना करें,
सुपरवाइजर की जो भी बेटर जानकारी होगी, जो भी ऑफिशियल जानकारी सीएससी के माध्यम से मिलेगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। चैनल पे आप बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं इन्यूमरेटर का आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उनका कुछ डिटेल डालना है, जैसे कि आधार नंबर आपको डालना है, उनका नाम डालना है और यहाँ पे यस करना है। तो दोस्तों आप घबराइएगा नहीं, मोनजिला है, अभी आपको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करनी होती है, बस एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो डिटेल डालते हैं, और सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको यस करके सबमिट कर देना है। ये जो है यस करने से ये होता है कि आप अपने ऑथेंटिकेशन को अपनी सहूलियत से, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से करा रहे हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अब आपको जो है कुछ जानकारी देनी होती है, जैसे कि आप जिनका भी इन्यूमरेटर बनाना चाहते हैं, सिंपली उनका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, कैटेगरी आपको डालनी है। कैटेगरी दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है वो आपको डालना है। ऑक्यूपेशन वो क्या काम करते हैं, डिसेबिलिटी है तो है, नहीं है तो नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, उनका ईमेल आईडी डालना है, उनका जो एजुकेशन है वो आपको डालना है। जिनको आप एन्यूमरेटर बना रहे हो वो दसवीं से नीचे है, दसवीं पास है, बारहवीं पास है, ग्रेजुएट है, आईटी डिप्लोमा है, या जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग, कितने साल में उन्होंने ये एजुकेशन लेवल पार की थी, अगर दसवां पास है तो किस साल में उन्होंने पास किया था, वो आपको डालना है। स्टेट दोस्तों यहाँ पे हर स्टेट में है, यानी पूरे भारत में ये काम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, लोकेलिटी दोस्तों आपको डालनी है, उसके बाद लास्ट अपडेट लास्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि दोस्तों आप जो यहाँ पे एजुकेशन में सिलेक्ट करते हैं, ट्वेल्थ पास अगर आप करते हैं तो ट्वेल्थ का ग्रेजुएट, ट्वेल्थ का आपको मार्कशीट अपलोड करना होता है, अगर आप ग्रेजुएट करते हैं तो ग्रेजुएशन का, उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट होगी वो 100 KB ओनली की होगी, यानी 100 KB की भीतर ही होगी। तो दोस्तों ऐसे कुछ है, आप इन्यूमरेटर ऐड कर सकते हो। बाकी की जो सैलरी बेस्ड होने वाली है, कमीशन बेस्ड होने वाला है, उसका क्या फंडा है, ये लिस्ट आते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चैनल पे आप बने रहिए। अभी आप जान लीजिए कि आप इन्यूमरेटर और साथ ही साथ सुपरवाइजर दोनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने इन्यूमरेटर सेट किया था तो यहाँ पे इन्यूमरेटर है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। चैनल पे बने रहे, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे जनगणना करना है, इसमें जो ऐप वगैरह मिलेगा, मोबाइल वगैरह, टैबलेट वगैरह जो मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, कहां से मिलेगी, वीएलई सोसाइटी से मिलेगी या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर देगा या आपको कहीं जाना है, ये सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चैनल पे जरूर बने रहे। और दोस्तों इन्यूमरेटर क्या होता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है सरकारीयोजना.com पे मिल जाएगी। सरकारीयोजना.com पे आकर पोस्ट को आप जरूर ढूंढें, उसमें बताया गया है आपको सीएससी की नई सर्विस जो है यहाँ पे हर महीने मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बताई गई है, आप आके जरूर ढूंढे। और साथ ही साथ हम जो आपको बताया हुए हैं एक वीडियो में, ये जो वीडियो हम आपको बताया हुए हैं इसको जरूर देखें। और साथ ही साथ दोस्तों आर्थिक जनगणना से रिलेटेड हमारे चैनल पे और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर होने वाली है। एक और वीडियो मैंने बनाया था यहाँ पे, ये आर्थिक जनगणना से ही रिलेटेड है, तो इसको भी आप जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके। वैसे ये वीडियो और ये वीडियो, दोनों वीडियो इस वीडियो के अंत में शो हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।